जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक और पार्सल हमें रिसीव हुआ है, ये हुआ है पिंडी से। एड्रेस मैं एडिटर को बोलूँगा इसको हाइड करके, और क्या कहते हैं कस्टमर के बकौल लैपटॉप टच स्क्रीन में था और किसी तरह ब्रेक हो चुका है, वल्ला आलम क्या है। तो इसको नॉन टच में हमने कन्वर्ट करना है, तो चलें हम इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें और क्या उन भाई साहब ने किया है इसको और क्या कुछ इसका हम लोग कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इसको ओपन किया जाए। हम सारी चीज़ें बताएं। अच्छा ये आया है फेज 3 बैरियर टाउन रावलपिंडी से, कंप्लीट पैक करके भेजा भाई ने इसको। ये इस पे उन्होंने कुछ लिखा हुआ भी है और ये कुछ चीज़ें हैं, ये पेपर वर्क शायद। अच्छा 7420 का है, ये किसी और लैपटॉप के बॉक्स में उन्होंने पैक करके हमें भेजा, तो इसकी पैकिंग हम वापस इसी में पैक करके उनको भेज देंगे। और चलो इसको साइड पर रखें, ऊपर कुछ लिखा हुआ है। बैटरी रैम, अच्छा बैटरी इंसर्ट है, रैम 16 GB है, नो SSD SSD, और फ़ोन नंबर उनका मेंशन है, हसनैन फ्रॉम इस्लामाबाद है। इस टेप को हम हटा देते हैं, इसको भी बॉक्स के ऊपर ही कुछ इस तरीके से साइड पे लगा देते हैं ताकि याद रहे। और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी बार बार चीज़ें जो है ना मेंशन की गई हैं। सेम चीज़ें, स्टिकी नोट है ये, इसको भी साइड पर रखते हैं और इसको ऑन करके देखें क्या करता है। वही सही कह रहे थे कि उनका टच पैनल कंप्लीट ब्रेक हो चुका है, तो जिसमें आप ये देख रही होंगी कुछ भी नहीं शो हो रहा, ना कुछ डाटा है ना कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रही। तो चलें इसको वापस ऑफ करें। और एज़ पर स्टिकी नोट वहाँ पे मेंशन हुआ है बैटरी है और रैम है, नो SSD SSD कुछ भी नहीं है। एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसको भी हम स्लाइड करवाएंगे आगे को ये चीज़। और इसके अंदर M2 कार्ड मिसिंग है एज पर स्टिकी नोट। 8 GB के दो मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो चलें इसकी DSMing स्टार्ट करते हैं और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे टच टू नॉन टच स्क्रीन। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं टच से नॉन टच पे कन्वर्ट करते हुए। तो उसमें इसकी जो है ये टच पैनल, AB पैनल, LED, LVDS और हिंजेस वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। लैपटॉप को कन्वर्ट करते हुए फुल वीडियो आप अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको दिया गया है। इनकेस अगर आप हमारे पास नहीं भिजवाना चाहते, अगर थोड़ी बहुत भी आप टेक्निकल नो हाउ रखते हैं तो आप इसको ईजिली खुद भी घर पर कर सकते हैं। और इनकेस अगर किसी तरह का को पार्ट्स की ज़रूरत है या फिर आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो टिकर पर नंबर चल रहा होगा या फिर आप हमें डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई टेक्नीशियन जो अवेलेबल होगा वो आपको असिस्ट कर देगा। होपफुली यू रियली लाइक इट। If you did, please like, subscribe and share.